તમારે કહો છે કે દૂર ઉપર અને સાવર નજીક ઉપર અંતર તો ઉજવાડ ને પછી ના ઉધીલી અને સાવર છે આર યુ ગણેશ ગોજાલ રાખો ઉપર અંતર કોણ જો જાય જો કમર ને તુમ આપણે દાથળ ઉપર પડ્યા છે એ કામ સહી વાત દાથળ કુડળ કહર ભી બાસુલા કહર ભી ઉપર પડ્યા છે મિલ કામણ મતલબ મેરે કોનો મતલબ છે મિલ કામણ નમસ્કાર દોસ્તો મેં મનુ પવાર उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव तो निपट चुके हैं लेकिन गढ़वा लोकसभा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार गणेश गोदियाल के अपनी मातृभाषा गढ़वाली में दिए इन भाषणों की गूंज अभी भी सुनाई दे रही है मतदान के कई दिन बाद भी। गणेश गोदियाल ने जितनी भी चुनावी रैलियां की जितनी भी जनसभाएं की या गांव कस्बों धार खाल में जितनी भी उन्होंने नुक्कड़ सभाएं की हैं उनका पब्लिक से संवाद का जरिया बनी है अपनी मातृभाषा गढ़वाली। उनके भाषण के मैंने ज्यादातर वीडियो देखे हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे। उनमें से एक बात आपने नोट की होगी, उनमें से लगभग 70-80% तो वो गढ़वाली में ही बोलते हुए दिखे हैं। आपने भाई बंधु बीच में गढ़वाली को पसंद करते हैं और बीजेपी को चाहूंगी सर अरे गणेश बोल आज पड़े नहीं करनी सर लेकिन मैं बता दूं बीजेपी भाइयों मैं पढ़े होने को क्या पढ़े होने को छोड़ा मैं तुम तभी पढ़ा दूं जय जिसे मैं चाहूंगा जिसे मैं पढ़ा बीजेपी के नेता हमको कि मंदिरों भीतरों सोना चोरी कर जाए और भय रख के जय श्री राम जनप्रो दूध पे के जी वाला बिना ठाटू भीतर बैठे दूध पे कौन सा और भय रख के आग बंद करके मोछ ऊपर। दोस्तों एक पत्रकार के तौर पर मैंने भी 90 के दशक के शुरुआती वर्षों से लेकर अब तक बहुत से चुनाव नजदीक से देखे और कवर किए हैं, यूपी से लेकर उत्तराखंड और उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक। लेकिन गढ़वाल लोकसभा सीट पर गणेश गोदियाल ने अपनी मातृभाषा गढ़वाली को जिस तरह से पब्लिक से कनेक्ट का माध्यम बनाया वो राजनीति में अपने आप में एक नया प्रयोग है, एक दिलचस्प प्रयोग है। और कह सकता हूं कि गणेश गोदियाल साहब ने पॉलिटिक्स में भाषा की एक नई लकीर खींच दी है। अब बोला चिन्ह कि राम राजा बोलता और कब बोलता 2047 दिसंबर। अरे भाई हमारे वोट देना चिन्ह आज हम बड़ी वोट मांगना चिन्ह आज और राम राजा 2047 में कि नहीं कि 2047 में उल्टा आज बोला चिन्ह योगी जी तुम छे गुरु गोरखनाथ का चेला और यू गणेश गोदियाल भगवान केदारनाथ का चेला गुरु गोरखनाथ का चेला और केदारनाथ का चेला तुम हम छा गुरु भाई हम छा गुरु भाई और जय कुंड तुम वोट मांग होना चाहे ना वो जो अमित शाह जी चेला। मैं इस पर चुनाव के दौरान बात करना चाहता था, इस पर वीडियो बनाना चाहता था लेकिन फिर ये सोचकर रुक गया कि व्यूअर्स में कहीं ये मैसेज ना जाए कि मैं किसी प्रत्याशी विशेष के पक्ष में माहौल बना रहा हूं। लेकिन अब चूंकि चुनाव निपट चुके हैं दोस्तों, नतीजे आने में अभी समय है तो इस पर बात की जा सकती है। क्योंकि एक उत्तराखंडी होने के नाते अपनी लोक भाषा गढ़वाली हो, कुमाऊनी हो या जौनसारी हो, उसको लेकर हमारी जो चिंताएं हैं उनके बीच गणेश गोदियाल साहब के कैंपेनिंग के स्टाइल ने एक नई राह निकाली है और नई संभावनाएं भी जगा दी है। कि गणेश गोदियाल वो सर कि जो दौड़ था जो बजा के जब तुम्हें चाहे जाएंगे तुम्हारे नेता हो जाओ के काम से तुम्हारे तमाम नेता ये गणेश गोदियाल गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में ढंग से ना चाहिए ना प्रधानमंत्री जी 75 साल उम्र हम अपने 75 साल बुढ़े जी बोल कोई उम्र आई इतनी चल कोई अपमान नहीं चल जो 75 साल बुढ़े जी जो जब जाके बना छे ना कि मीठे दे जाए एक मौका और और हमारा 18 साल जो अपना गिरवीर में भर्त करके बोला छे ना कि तू 22 साल में सुख से जे घर ये खबरें बात है ये खबरें बात की छे। और इसी से मेरे मन में एक सवाल कौनता है कि क्या राजनीति की भाषा में भाषा की राजनीति की जा सकती है।
क्या हमारे पहाड़ के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, या जो भविष्य में चुने जाने की जुगत में लगे हुए हैं, क्या वे लोग जनसभाओं, रैलियों, बैठकों, नुक्कड़ सभाओं में जन की भाषा यानी गढ़वाली या कुमाऊनी में संवाद नहीं कर सकते? हमारी लोक भाषा को बचाने में ये जो राजनीतिक भागीदारी है वो कितनी असरदार हो सकती है? क्या गढ़वाली कुमाऊनी बोलियों को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की लंबे समय से जो मांग उठती रही है, क्या उसे ऐसे राजनीतिक प्रयोगों से एक नई ताकत मिल सकती है? क्या उससे एक नया पुश मिल सकता है? ऐसे तमाम सवाल लंबे समय से मेरे मन में घूमड़ रहे हैं और इसीलिए उन सवालों और उन संभावनाओं पर बात करने के लिए मैंने आज एक खास मेहमान को न्योता दिया है। देहरादून से मेरे साथ जुड़ रहे हैं लोकेश नवानी जी, जो कि उत्तराखंड के पहाड़ों में 80 और 90 के दशक में लोक भाषा आंदोलन की अलख जगाने वालों में अग्रणी रहे हैं। उस दौर में उनके नेतृत्व में लोक भाषा के लिए समर्पित उत्साही लोगों की जो टीम खड़ी हुई और उस दौर में जो चेतना बोई गई लोक भाषा को बचाने के लिए, उसका विस्तार आज हम कई स्तर पर देख रहे हैं। नवानी जी गढ़वाली के एक बेहद संवेदनशील और नामी कवि भी हैं। आपको बता दूं कि वो लोकेश नवानी ही हैं जिन्होंने मशहूर संस्था धाद उसकी स्थापना की थी और पहाड़ में लोक भाषा, लोक संस्कृति, लोक परंपराओं को सहेजने का एक नया विचार रोपा था। तो लोकेश नवानी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका और बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये जानना चाह रहा था कि गणेश गोदियाल जी के जो रैलियों की और जो सभाओं के वीडियोस आप तक भी पहुंचे होंगे, आपने भी देखे होंगे, जिसमें वो पब्लिक से जनसभाओं में गढ़वाली में संवाद करते हुए दिख रहे हैं, जैसे वो पाखड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोकोक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कैसा आप जो आपने जो पहला रिएक्शन रहा होगा आपका, आपको क्या ख्याल आया ये वीडियोस देख के आपको? बहुत बहुत धन्यवाद मनु इस विषय पर बातचीत करने के लिए, विशेष रूप से भाषा के सवाल पर। तो जो पहली बार हमने सुना, न्यूज़पेपर में पढ़ा और जो वीडियो देखे, तो उन्हें देखकर जो भावनात्मक प्रसन्नता होती है वो हमें अच्छी लगी सुनने में, कि भाई कोई अपनी मातृभाषा में अपने मतदाताओं से संवाद कर रहा है। तो निश्चित रूप से मतलब जितने लोगों से वो बात करता है तो उनसे डायरेक्ट कनेक्ट होता है, लोगों को भी अच्छा लगता है। हमारी भाषा में भी भाव सौंदर्य है, शब्द सौंदर्य है, कनेक्ट होने की ताकत है। तो जाहिर है कि जब कोई हमारी भाषा में हमसे बात करेगा तो हमारे अधिक समीप होगा। ये एक अच्छा संकेत है कि कोई जन प्रतिनिधि आम चुनाव के समय में गढ़वाली में बात कर रहा है या उत्तराखंड की किसी भाषा में बात कर रहा है, तो ये क्योंकि एक भावनात्मक बात है लेकिन एक पॉजिटिव संकेत है। हेमवती नंदन बहुगुणा जी जब एक हुंकार दिए थे तो पूरा गढ़वाल का लोग एक पर के चला और आज भी गढ़वाल। तो आपको लगता है कि गणेश गोदियाल ने इस चुनाव के जरिए, अब उसका नतीजा जो भी हो रिजल्ट का वो अलग मसला है, हम उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं, क्या उत्तराखंड में राजनीति को एक नई भाषा दे दी है? क्या ये गढ़वाली लोक भाषा के लिए एक नई संभावनाओं के द्वार इससे खुलते हैं, या आपको लगता है कि ये सिर्फ चुनावी मौसम है तो हो गया? क्या ये लोग इसे फॉलो कर सकते हैं, राजनीतिक लोग, आपको क्या लगता है? सच तो ये है कि ये पूरी तरह भावनात्मक विषय है। हम लोग अपनी सांस्कृतिक अस्मिता की लड़ाई वर्षों से लड़ते रहे हैं, जिनमें भाषा और कल्चर का सवाल है, हमारी परंपराओं का सवाल है। तो जाहिर है वो हमारे अवचेतन मन में बचपन से बैठी हुई है, उनकी छवियां अंकित हैं। तो जब कोई ऐसा प्रयास करता है तो अच्छा लगता है, लेकिन ये पूरा राजनीतिक मौसम का प्रभाव है।
इससे पूर्व भी कई लोग ऐसा करते रहे हैं। आपने पिछले बार के चुनाव में देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जब आए थे तो श्रीनगर की सभा में गढ़वाली में बोल रहे थे, वो जब कुमाऊं में जाते हैं तो कुमाऊं में बोल रहे हैं। तो बेसिकली वो एक राजनीतिक मौसम का जो प्रभाव है या जनता से कनेक्ट होने की जो बात है, इसके लिए वो ऐसा करते हैं, क्योंकि भाषा अपनापन प्रदान करती है, उससे मिलता है, भाषा आम आदमी से कनेक्ट करती है। देखिए उस बार जब उन्होंने गढ़वाली में बोला था तो बहुत उसे अप्रिशिएट किया गया था समाज के द्वारा, बहुत खुश हुए थे लोग, और मैं समझता हूँ बड़ा झुकाव उतने ही बात पर हो गया था। लेकिन गणेश पोदियाल जो भाषा का अधिक प्रयोग कर रहे हैं इस समय पूरे मुहावरों के साथ, और क्योंकि वो तो गढ़वाली ही हैं, गढ़वाली के जानकार हैं, तो उनका ऐसा करना भी बहुत अच्छा संकेत है। इसीलिए हमारे दूसरे लोग हैं उन्हें भी प्रेरणा मिलेगी कि वो जो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि भाषा हमारा एक सवाल रही है उत्तराखंड के निर्माण में, जो भाषाई और सांस्कृतिक अस्मिता का सवाल था, हमारी रीतियों का, हमारे त्योहारों का, हमारे परंपराओं का, हमारे कल्चर की जो बात थी वो थी, तो उसी का एक पार्ट भाषा भी है। तो निश्चित रूप से ये चीज आकर्षित करती है, और मैं महसूस करता हूँ कि जिन्हें जो सामान्य मतदाता होंगे या जनता है कुछ को, तो एक सामान्य रूप से कनेक्ट करती होगी ये बात, लेकिन जो अवेयर होंगे भाषा के प्रति, हो सकता है उनका रुझान बने, और एक अच्छा संकेत है भाषा के प्रति। भाई वही बात जो वही बात इन कोशिश कर देने का मानो देवबंद टाइम पर भेजो तो देव खुणे कर जन्म पद उनका जाना हिंदू लोग पहले पुलना से नहीं बता कि पक्का फौजी से नहीं कि अग्निवीर से पूछना से ना तो क्या करें सरकार अंदर। ये चर्चा इसलिए भी कर रहा हूं मैं क्योंकि बहुत सारे चुनाव हमने भी देखे, आपने भी देखे होंगे, हमारे जो प्रतिनिधि हैं या हमारे जो उम्मीदवार हैं प्रायः जो है गढ़वाली का इस्तेमाल या अपनी लोक भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं जब जनसभाओं में, जन रैलियों में जाते हैं। तो क्या ये सिर्फ चुनावी मौसम की भाषा है या बाकी लोग शायद ही इसे फॉलो कर पाए? हाँ, सच तो ये है कि ये अगर हम इसकी गहराई में जाएं और इसका इसके निहितार्थ जो है और वो जो वो बताते हैं कि ये चुनावी मौसम की भाषा ही, व्यावहारिक रूप में कोई भी नेता इसे उपयोग में नहीं ला रहा है, क्योंकि ये हमें भावनात्मक रूप से समाज से कनेक्ट होना है इसलिए सभी ऐसा कर रहे हैं। मैंने बड़े बड़े और लोगों को देखा, जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया कि नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में नमस्ते भाईजी, नमस्ते बहनी ऐसा कहकर लोगों को आकर्षित कर लिया था। तो कुल मिलाकर अगर वो अपनी भाषा के लिए इसके इतर भी कभी चलाते, कोई मूवमेंट या उसमें बातचीत करते किसी ऐसे मुद्दे को लेकर, तब माना जाता है कि वो गंभीर है। तो मेरा जो आकलन है वो यही है कि जितने भी नेता चुनाव के समय में ऐसी बातें करते हैं उनका उद्देश्य भावनात्मक रूप से आकर्षित करना है, और वो कनेक्ट भी होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, पर ये एक अच्छा तरीका है जनता से कनेक्ट होने का, ताकि जो भाषा की बात है वो समाज के मानस में जाती है। और जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ कि हमारा जो उत्तराखंड आंदोलन था वो मूल रूप में क्या था, तो सांस्कृतिक अस्मिता का तो आंदोलन था, भाषाई अस्मिता का आंदोलन था, हमारे कल्चर का आंदोलन था, परंपराओं रीति रिवाजों का आंदोलन था। अगर कोई नेता उससे प्रेरित होकर भाषा में बात करता है तो वो हमारे लिए खुशी की बात है। लोकेश जी, आप तो लोक भाषा के आंदोलनकारी रहे हैं, मैं जानना चाह रहा हूँ कि गढ़वाल रियासत जब थी, जब राजे महाराजाओं का जमाना था, तो उस दौर में जो है राजकाज की जो भाषा थी वो गढ़वाली थी, क्योंकि वो जन की भाषा थी। तो गढ़वाल में या कुमाऊं में अभी भी जन की भाषा गढ़वाली या कुमाऊनी है, तो फिर ये राजकाज की या पाठ्यक्रम की भाषा क्यों नहीं बन पाई, ये उसे क्यों संघर्ष करना पड़ रहा है? इसलिए करना पड़ रहा है कि जब भारतीय रियासतों का जितने भी थी, भारत के जो देश में विलय हुआ उसमें जो मुख्य भाषा हिंदी बनी, और वर्षों तक हमारी जो भाषाएं हैं उपेक्षित रहीं। अब आप समझ सकते हो कि जो नेपाली, कुमाऊनी, गढ़वाली, ये तीनों राजभाषाएं, लेकिन नेपाल राष्ट्र बना, उसका भी जो ग्रामर है वो गढ़वाली कुमाऊनी की तरह ही, लेकिन जब वो राष्ट्र के रूप में अलग उसका अस्तित्व था तो उसने उस भाषा को
महत्व दिया, बल्कि उसमें भी वही प्रॉब्लम्स हैं जो गढ़वाली कुमाऊनी के व्याकरण में होती हैं, लेकिन उसे रिकॉग्नाइज किया गया, देश ने स्वीकार किया गया संविधान के स्तर पर। अब हमारे यहाँ जो हुआ, क्योंकि हम भारत के अंग बने, तो जितनी भी, ये केवल हमारी भाषा का सवाल नहीं है, ये सवाल है जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं थी इस तरह से वो हाशिए पर चली गई, और लोगों को उस समय भाषा बड़ा मुद्दा नहीं था। उसमें राष्ट्रवाद का दौर था 1947 तक, और जैसे कि महात्मा गांधी का बड़ा प्रभाव उस दौर में था, और गांधी ने जो महसूस किया भारत में घूमते हुए कि भारत की जो जोड़ने वाली भाषा है वो हिंदी है, तो हिंदी बनी, हिंदी को सबने पढ़ना शुरू किया, मानना शुरू किया, और हम सब लोग बहुत पहले जो बचपन में राष्ट्रभाषा हिंदी लिखते थे। भाषा चेतना बाद में आई कि हमारी चीजें भी बड़ी खूबसूरत हैं, हमारी अपनी शब्द संपदा है, अपनी अर्थ संपदा, अपनी भाव संपदा है। जब हम जीएमओ की बस में बैठते थे पहले, कहीं भी, चाहे गढ़वाल में बैठ लो, केएमओ की बैठ लो, टीजीएमओ की बस में बैठ लो, तो हम जब बाहर से आते थे तो हमारे गीत वो बस में लग जाते थे और हम उन्हें गुनगुनाते थे, विदेश में भी या देश में अभी भी गुनगुनाते हैं। इसका अर्थ हुआ कि हमारी भाषा की भाव सामर्थ्य भी बड़ी सुंदर है, शब्द सौंदर्य, अर्थ सौंदर्य है। तो हमने पहले तो इसे महसूस नहीं किया, क्योंकि हम रोजी रोटी के लिए दौड़ते भागते रहे। जब हम इस स्तर पर समझ में पहुंचे कि जब चेतना है कि हमारी भाषाओं में साहित्य रचा जा सकता है, या हमारी भाषा के शब्द खो रहे हैं, या हमारा अस्तित्व है, क्योंकि भाषा समाज का अस्तित्व भी बनाती है, हम तभी तक गढ़वाली हैं जब तक गढ़वाली बोल रहे हैं। अगर हम हिंदी के उस में विलय हमारा जिस दिन हो जाएगा तो हम सामान्य लोग होंगे, तो ये हमारी पहचान है भाषा। हर भाषा मौलिक है, हर भाषा दुनिया की सुंदरतम भाषा है, हर भाषा का एक व्याकरण होता है, बिना व्याकरण के तो कोई बोल ही नहीं सकता। तो इस तरह से जब हमने समझना शुरू किया, तब हमने कुछ वर्षों में मतलब ये महसूस किया कि भाषा के लिए बात करनी चाहिए। तो ये 77-78 के बाद एक दौर चला, उससे पहले तो स्वांता सुखाय दौर था कविता लिखने का, गीत लिखने का। उसके बाद जो दौर चला उसमें भाषा की समझ विकसित हुई और भाषा की मांग होने लग गई। लेकिन क्योंकि अब जब संविधान में जितनी भाषाएं थी, वो 22 भाषाएं जो 8वीं सूची में शामिल की गई हैं, उनमें आने के लिए अब हमें उसके कई मानकों को पूरा करना पड़ेगा, और मानकों से भी महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक स्तर पर हमें प्रयास करने पड़े होंगे। अभी हमें हम उस स्तर पर प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि दिल्ली ने अपना जो एक भाषा का एक दिल्ली सरकार ने जो बना दिया है, यहाँ भी सरकार ने कर दिया, दिल्ली वाला ज्यादा अच्छा है और यहाँ भी चल रहा है, लेकिन जो गंभीरता अभी आनी चाहिए हमारे उसके जो भाषा को लेकर, जैसे एकेडमिक बातें होनी चाहिए, शोध होने चाहिए, वो नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए अभी सरकार से जल्दी स्वीकार नहीं करेगी। आपने अभी 8वीं अनुसूची की बात की जिसमें 22 भाषाएं हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी को भी 8वीं अनुसूची में शामिल करने की बात लंबे समय से उठती रही है। दो बार जो है संसद में प्राइवेट मेंबर बिल आ चुका है, एक बार 2011 में मुझे याद है सतपाल महाराज तब कांग्रेस के सांसद थे, वो लाए थे प्राइवेट मेंबर बिल, और 2019 में नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से जो सांसद थे रहे हैं अजय भट्ट, वो लाए थे। तो मुझे, मैं थोड़ा ये समझना चाहता हूं कि 8वीं अनुसूची में अगर गढ़वाली कुमाऊनी आती हैं, शामिल होती हैं, अभी तो बहुत लंबी प्रोसेस है जैसा बता रहे हैं, तो इससे फायदा क्या होगा? 8वीं अनुसूची में आने का यह फायदा होता है कि उसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो जाती है, एक भाषा की, नंबर एक। दूसरा, वो हमारे प्राथमिक शिक्षा से लेकर माध्यमिक और विश्वविद्यालय शिक्षा में भाषा के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है। नंबर तीन, हमारी भाषा में शोध कार्य हो सकते हैं। अभी दरअसल जो शोध कार्य हो रहे हैं, जैसे हम भी करते हैं, तो हम कोई शोध कार्य थोड़ी कर पाते हैं, उसके लिए तो बहुत पैसे की व्यवस्था चाहिए होती है, तो संस्थाएं कहाँ कर पाएंगी। जितनी भी संस्थाएं भारत में भाषा का प्रश्न उठाती हैं, बहुत सीमित संसाधन होते हैं, तो वो बड़ा काम नहीं कर सकती, जिसमें जबकि इसमें एकेडमिक काम की जरूरत होती है। तो जब सरकार इसके लिए कोई अकेडमियां गठित करेगी तो वो इस तरह के शोध कार्य भी करवाएगी। इसके अलावा ये जो राजकाज में कहते हैं, अगर भाषा के माध्यम से कोई प्रश्न उत्तर भी हम उसमें सरकार से पत्र व्यवहार भी कर सकते हैं। इसके अलावा जब साहित्य अकेडमी है,
हमारे साहित्य को वहां से पुरस्कार मिल सकते हैं, यानी हम अपनी बुक्स वहां सबमिट कर सकते हैं। अभी तो हम एक तरफा काम कर रहे हैं ना समाज के तौर पर, हमें वैसी वो तो है नहीं। तो जब सरकार इसमें इन्वॉल्व होगी, उसे मान्यता देगी, तो सरकार का इन्वॉल्वमेंट होगा कई रूपों में, तो उसके लाभ भाषा को मिलेंगे। इस तरह जैसे अंतरराष्ट्रीय हम फिल्म बनाते हैं है ना, वृत्त चित्र बनाते हैं या जो भी शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, तो वो अभी हम अपने सुकून के लिए बना रहे हैं, अपनी खुशियों के लिए। लेकिन तब हमारे चित्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में, चलचित्र या फिल्में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उसमें शामिल किए जा सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे एडवांटेज होते हैं भाषा को, और राष्ट्रीय मंच पर हम निर्भीकता से अपनी बात बोलेंगे। मुझे याद है कि हम जब दिल्ली में जाते हैं बड़े साहित्यकारों से हम गढ़वाले की बात करते हैं, तो वो इसे स्वीकार नहीं करते। तो जो मैं हूं या कोई भी लिख रहा है वो लेखक, तो हम अपने तक सीमित हैं, भाई मैं आपको जान रहा हूं आप मुझे जान रहे हैं, लेकिन उसकी रिकॉग्निशन मान्यता स्वीकृति उस स्तर पर नहीं है जहां पर हम अपने साहित्य को देश की मेन स्ट्रीम के साहित्य से तुलना कर सकें, ले जा सकें, इंट्रोड्यूस कर सकें और विश्व स्तर पर पहुंचा सकें, ये मेरा कहना है। तो कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाषा को, गढ़वाली कुमाऊनी को सरकारी संरक्षण के बगैर बचा पाना मुमकिन नहीं है। बिल्कुल हाँ, ये बहुत कठिन है, क्योंकि देखिए समाज के पास सीमित संसाधन होते हैं। मैं हमने चाहे बहुत कोशिशें कर रही, लेकिन बड़े जिसे कहते हैं अभाव में की, और उसमें जो आम आदमी होता है वो बहुत मतलब थक जाता है। सरकार थकती नहीं, क्योंकि सरकार सिस्टम होता है। अभी उत्तराखंड जो भाषा संस्थान है उसके लिए शायद 2.5 करोड़ का बजट है, तो हमारी संस्थाएं तो आज तक 2.5 करोड़ कर ही नहीं सकती। तो सरकार उपलब्ध कराते संसाधनों को, तो उस पर शोध भी हो सकता है। अब हमारी संस्था मान लीजिए हम कर रहे हैं 40 साल हो गए, लगभग 40-50 साल उससे पहले से कर रहे हैं, तो हम कोई बड़ा शोध थोड़ी कर पाते हैं। हम ऐसी बातें कर सकते हैं कि शोध होना चाहिए, अकेडमिक कार्य होना चाहिए, है ना, अध्ययन होना चाहिए। अब सुविधा तो है ही नहीं, कुछ किताबें एक ने जमा की, 10 महीने जमा की, एक जगह तो है ही नहीं, तो हमें खुद ही नहीं पता कि हमारा कौन सा साहित्यकार कहाँ बैठा हुआ है, क्या लिख रहा है। फिर हमें ये नहीं पता कि आलोचना या समालोचना करने का या समीक्षा करने का भी वो नहीं हमारे पास, तो उसकी प्रॉपर समीक्षा हो नहीं सकती। तो उसके लिए भी जो विद्वत मंडल होता है या भाषा पर काम करने की जो आवश्यकता होती है, जो उसे साहित्य के लेवल पर ले जाती है या जो उसे भाषा बनाती है अंततोगत्व, वो काम नहीं कर पाते। तो ये सरकार के ही करने पर संभव है, अन्यथा संस्थाएं 2-4 साल करेगी, या फिर जो मान लीजिए हम कर रहे हैं, अब हमने किया जब हम युवा थे कर रहे हैं, आज हम थक गए, फिर जो समझ हमने अर्जित किया वो किसको देंगे, हम नए युवाओं से ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो फिर मेरे और या उनके बीच में बड़ा भयानक गैप आ गया समझ का। मैं जिस साहित्य की बात कर रहा हूँ आज के मेन स्ट्रीम मेला में कई बार बोल भी चुका हूँ कि हमें कहाँ से तुलना करनी है, तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि हमें एकेडमिक काम करना चाहिए, शोध पर बात करनी चाहिए, कविताओं का या साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। दिल्ली में लिख रहा है कोई और मुझे पता ही नहीं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ दिल्ली वाले को पता ही नहीं, एक चंडीगढ़ में लिखते हैं तो उनका पौड़ी वाले को पता नहीं, पौड़ी वाला लिख रहा है उसे जो मीन्स मतलब देहरादून वाले को पता नहीं है। तो ये सब अगर कुछ कोई अगर उनको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा सकती है तो सरकार, क्योंकि संस्थाओं की सीमा है, हम इससे ज्यादा कर ही नहीं सकते और बेहतर काम भी नहीं कर सकते। देखिए अभी भी मैं कहना चाहूंगा कि जो तमाम पत्रिकाएं प्रकाशित कर रहे हैं हम लोग, तो वो क्या है, कोई वैचारिक वो थोड़ी है। भाई आज लोकेश जी मिले तो उन्होंने कहा लोकेश जी आपने लिखा है छाप दो, कैसे पढ़ा क्या करा कुछ नहीं करा। उधर मनु जी मिले, मनु जी ने दिया वो छाप दिए, अब किसी ने कुछ दिन किया नहीं। जो लोकेश नवानी ने आज से 40 साल पहले कविता लिखी थी, ठीक वही कविता दूसरा दिख रहा है, उसका छंद दूसरा है, विचार मेरे वही है, नहीं समझ रहे। वो बीरेंद्र पवार लिख रहा है, उसने बड़ी अच्छी कविता लिखी, वो तीसरे को समझ ही नहीं आई, क्योंकि सत्र की तो बात ही नहीं हो रही है, वो श्रेष्ठ कविता है। उधर मसूदन लिख रहा है बड़ी श्रेष्ठ गजने लिख रहा है, तो हमने वो पढ़े ही नहीं, तो उसका पता ही नहीं चला। अब उनको हमें आगे कहां ले जाना है,
हमें साहित्य अकादमी के लेवल तक जाना है, तभी हम सफल होंगे, तभी हमारे साहित्य की पता चलेगी। मुझे कौन पहचानेगा भाई, मैं कॉमन मैन के बीच में कविता पढ़ रहा हूँ, उसकी तो कविता की समझ ही नहीं रही, और नया पाठक उसको सुना तो समझ ही नहीं आ रहा। तो मैं बार बार कहता हूँ, देखिए मैं पिछली बार भी कई वर्षों से कह रहा हूँ और फिर रिपीट कर देता हूँ, जो नए यूथ आ रहा है वो उन्हीं बिंदुओं पर लिख रहा है। एक समय था खुदमा तेरी रोम छोमे गीत गाने सा लोग, अब वो आउटडेटेड हो गया है। एक गीत गाते थे या खुली माँ जी कन को की जो की जैसे ना घनी कुराई तुम छांटे हुआ, ऐसे गीत है आज उन्हें कौन गा रहा है। इसी तरह जो वर्तमान में जितने लोग भी गा रहे हैं, जैसे पलायन पर गा रहे हैं, अब आप कह रहे हैं लोकेश जी आप भाषा आंदोलन के पूर्वदाते, आपने स्टार्ट किया है वो किया, अब मैं आ गया यहाँ पलायन पे कविता लिखी, आप मुझे आप कहोगे बड़ा लालच दे दो कि लोकेश जी आप गांव चले जाओ, तो मैं ठसकने वाला नहीं यहां से। इट मीन्स कि जो पलायन शब्द है नहीं समझे, तो पलायन पे कविता अर्थपूर्ण नहीं रह गई, पलायन हमारे आवश्यकता बन गई है, हमारे करेक्टर में आ गया। तो मैं तो पलायन की कविता जिसे कहते हैं कि एक बोध होता है ना, वो बोध मुझ तक सीमित है, क्योंकि मैं बचपन में रहा हूं और मेरे जो बच्चे हैं वो तो यहीं पैदा हुए, हिमाचल में पैदा हुए, मैं तो अभी अपने हिमाचल में था अभी। तो आपको आश्चर्य हुआ कि वो बच्चे गढ़वाली ऐसे उनके माता पिता बोलते हैं थोड़े बहुत समझ लेते हैं, लेकिन जो हिंदी भी बोलते हैं वो तो हिमाचल के स्टाइल की हिंदी बोलते हैं वो लोग, उसे सुनने में मुझे बड़ा मजा आता है, डायलेक्टिकल टोन बोलते हैं ना इसको, क्षेत्रीयता का असर पड़ता है। तो उनको देहरादून अपना घर लगता है, वो पहाड़ से उनका कोई वो नहीं, उन्हें पलायन से भी कोई मतलब नहीं हुआ। तो जो गीत आउटडेटेड हो जाते हैं, जो विचार आउटडेटेड हो जाते हैं, उन्हें रिपीट करने की जरूरत नहीं। समकालीन हिंदी कविता में जो चीज है वो गढ़वाली कविता में आए नहीं रहे, और हम वही गा रहे हैं। वो जो धारमन एक टू बी आई जय इन टाइप का गीत ना, कि तो स्वीणो मत देखो स्वामी, तो ये बार बार होगा, लेकिन ये बहुत अच्छा नहीं होगा, इसमें नए अर्थ में करना चाहिए। जैसे मधुसूदन और बिन कौर ने वैसे कुछ अच्छे प्रयोग किए हैं, उनको तो कोई जान ही नहीं रहा, तो क्योंकि उस पर हम बात ही नहीं कर रहे। किताब छापी और फिर लिमिटेड, उसका जो फोरम है वो फोरम सरकार को बनाना चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं कहां तक करूंगा, मैं तो भाई एक व्यक्ति हूं, मेरी समर्थ थोड़ी है, संस्था है, संस्था कितने की होती है, 10-15 लोगों की तो होती है। सरकार सरकार है, सरकार सिस्टम है, सरकार के पास संसाधन है, सरकार के पास फोरम है, प्लेटफॉर्म है, अगर वो करेगा तो भाषा पर काम होगा और भाषा उस लेवल तक ले जाया जा सकती है, वहां समझ को ले जाने की जरूरत है। अब जैसे मैं नए लड़कों तक विचार पहुंचा नहीं सकता, नहीं पहुंचा पाता ना, क्योंकि मेरे टच में नहीं है, और वहां पर देखो तो वहां पर लाइन लगी हुई है, भाषा संस्थान में सैकड़ों युवा आ जाते हैं, नए नए एक नई कविता लेकर आ जाते हैं, वो घोषित करते हैं कि भाई ये एकदम ये बहुत ही अच्छा लिख रही है यार, ऐसे उनको मंच पे ले आते हैं अप्रोच के माध्यम से। समझ गए ना, कुछ समझ रहे ना, तो उसने समझा नहीं, वो किसी का अप्रोच से आ गया। तो भाषा पर सही काम करने के लिए एकेडमिक सोच, रिसर्च एटसेट्रा होना चाहिए। और पत्रिकाएं भी, वो किसी ने कुछ भी कहानी लिख दी, क्योंकि हमारे पास लेखकों की कमी है, अच्छे लेखकों की, तो हमें कोई भी दे दे रहा है, क्योंकि हमने तो भाई विज्ञापन करने हैं, कुछ करने हैं, जुगाड़बाजी करनी है, कुछ अपना को निकालना है, तो हम अच्छी पत्रिका नहीं निकाल रहे भाई। समालोचना दिल्ली साहित्य अकादमी की पत्रिका के टक्कर के निकालो ना, साल में एक ठोस साहित्य वार्षिकी की तरह निकालो ना, साल में एक ठोस, ये हर महीने करके भी कुछ नहीं, कभी किसी चल रहे हैं आधे नेताओं के विज्ञापन है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, तो कंटेंट जो उसका कमजोर है, तो भाई सब अच्छी कैसे होगी। जो हमारी कहानियां अभी पिछले साल धाधनी हमने जो खुद छापा था, तो उसमें मैंने देखा जो बहुत लोगों ने भेजी है, तो आधे लोगों को तो ऐसे है कि जैसे कल्पनाओं में जी रहे हैं कि दादी ने ये कहा, दादी ने कहा, मतलब छुया लोग जब गप मर जाना वो ढंग की कहानी लिखना चाहिए। लेकिन जब उसी चीज को हम बड़े लेवल पर ले जाएंगे, साहित्य अकेडमी के लेवल पर, तो हमारी कहानी है कंडम, हमारी कविता कंडम, तो हमें समझ कहाँ की बनानी पड़ेगी, उस लेवल पर जाना पड़ेगा। पिछली बार कई लोग कहते हैं हम नवानी को सुनाना चाहते हैं,
मैंने कहा मुझे नहीं सुनाना, आपको साहित्य अकादमी को सुनाना है, उसके लिए सामर्थ्य विकसित करो, कविता की समझ विकसित करो, कहानी की समझ विकसित करो, तब आप अच्छा साहित्य लिखेंगे। अब मुझे तो मान लीजिए मनु ने सुना दी कोई चीज, अब मनु तो मेरा भाई है पुराने जमाने का, तो किले बन मिल गुरु, मैं कहूँ मनु तुमने तो लिखे, तुम्हें तो नोबेल पुरस्कार मिलेगा। अब किलेगा मनुला मेरे चैपलान या मेरे साथ दोस्ती है तो मैं ऐसे कैसे कह दूं, नहीं समझे। तो इसलिए उस लेवल को करना पड़ेगा, और कुछ लोगों को उस लेवल को सीखना पड़ेगा, जैसे वीरेंद्र पवार को, जिनकी समझ भी कर सकते हो, मधुसूदन को, ऐसे चार पांच लोग और हैं। मैं पिछली बार दो तीन साल पहले दिल्ली में था, तो एक बहुत अच्छी कविता गढ़वाली की जो मुझे बड़ी पसंद आती है, तो कभी बैठे थे, अरे मैंने कहा तुम्हें खुद ही नहीं पता तुम्हारी अच्छी कविता कौन सी है, वो पढ़ो ना, उनका वाचन करो, उनका अर्थ बताओ, हमें खुद पता नहीं है। अभी में एक कवि है शिवदयाल सैलज, उभरे काल में गांव में पढ़ा, गांव में वही टीचर है, तो वो कुछ ऐसे उसकी विद्रोह की कविता है, बड़ी जबरदस्त है, बहुत अच्छा लिखता है। तो उसने अपनी किताब किसी को दी कि आप इस पर वो लिखिए, तो उन्होंने जब उस पर काम किया तो जो उसकी वो व्याख्या ना होकर, कई बार हम क्या करते हैं, मैं आपको अब ज्यादा वो ना करते बता देता हूँ कि हम कई बार क्या होते हैं, अपने पांडित्य का प्रदर्शन करते हैं कि भास ने ये कहा, कालिदास ने ये कहा, फलाने ने क्या साहित्य को ये, शुक्ल ने ये कहा, और ये नहीं बोलते कि वो वीरेंद्र पवार ने क्या कहा, उसकी कविताओं में क्या है, भास के उदाहरण देके जी नहीं, जो समकालीन समालोचना का पैटर्न है उसकी आज की तारीख में उस पर करो बात, वो खुद एक आधा हो जाओ। अब जो मैंने उनके नाम ले लिए तो पांडित्य किसका प्रदर्शित हो गया, मेरा और कुमार जी रह गए कि नर भर खुदम उनका बात ही नहीं करके क्योंकि आज कुछ समझ रहे बात को, अरे व्याख्या तो इसकी करनी थी, वो खिले बता रहा हूँ थे। तो जो इन बच्चों का या इन युवाओं का, इन कवियों का जो महत्वपूर्ण हो गया अपने समय में, उनका तुमने कोई आकलन किया नहीं, और अभी यहाँ पुरस्कार दे रहे हैं किसी को, आपको आश्चर्य होगा कि जितनों को पुरस्कार मिले तो वो कहीं भी उनका पता ही नहीं कि कहाँ है कहाँ नहीं है, किस स्तर का लिखा है, एक एक लाख के मिल गए, नहीं समझ रहे। इसके लिए भाषा पर सही काम होना चाहिए और सरकार का दायित्व होना चाहिए। अब यहाँ पर क्योंकि तुम्हारा सार्वजनिक मंच है, आलोचना करना मैं उचित नहीं समझता, लेकिन मैंने वहां पर कटु आलोचना कर दी थी। मैंने कहा जो कविताएं पढ़ी हैं कि साहित्य अकादमी के लेवल की हैं, क्या डेकोरम साहित्य अकादमी के लेवल का है, ये सवाल मैंने उठाए थे, उन्हें अच्छे नहीं लगे थे। पर मैंने कहा भाई जब साहित्य पर सरकार काम कर रही है, लोग भाषा पर, और बल तीन तीन मिनट बोला, अब क्योंकि वहां की चीजों को रिपीट करना बहुत अच्छा नहीं होगा, आप समझ सकते हो कि क्या हो रहा है। पर हमें अपने स्तर को बनाने के लिए बेहतर एकेडमिक काम करने की जरूरत है, पत्रिकाओं को भी उस लेवल पर लाने की जरूरत है, शिल्प को समझने की जरूरत है, और जो मेन स्ट्रीम की भाषा और साहित्य। अब हम देखो, मैंने कुछ की देखो शराब पर बड़ी कहानी है कि वे शराब पे बना, वे भुवन वो मुर गया, ऐसी कई कहानियां आ रही तो आनंदित नहीं करती। जब तक सोशल चेंज प्रगतिशील दृष्टि नहीं आएगी, हम उस आदमी के औरत के पक्ष में खड़े नहीं होंगे, दलित वर्ग के पक्ष में खड़े नहीं होंगे, तो अच्छा साहित्य कहां से लिखा जाएगा, कल बमन साहित्य लिख दिया, कल राजा साहित्य लिख दिया, तो वे से कुछ नहीं होगी। ये बिंदु बड़े गंभीर है, इन पर विचार करने की जरूरत है, इस पर कोई सोच नहीं। आपकी चिंताएं अपनी जगह हैं, क्योंकि हम देखते रहे हैं आप 80 और 90 के दशक में जो लोग भाषा को बचाने को आंदोलन छो या प्रचार प्रसार को आंदोलन छो, वे कवा स्थापन कुमा गढ़ गांव धार खाओ सब नाप दे छा। तो मैं जान चाहूँ था कि आपकी नजर में वे आंदोलन को हासिल क्या थे, वे को विस्तार आप तक कब तक दिखे, विस्तार यो चो कि जो एक तो पहले गढ़वाल में कविता पाठ नहीं हो, साहित्य गढ़वाल की तरफ नहीं लिख बचा, जो दिल्ली में प्रवासी थे वो अपने जो अभाव के कारण और जो जो दूसरा समाज था उससे सीखकर उन्होंने कविताएं लिखी। तो शुरुआती दौर की उनकी कविताएं जो 1975 तक थी, 75 से पहले की, तो वो नहीं हो चाहे खुद माँ अलणु सलणु जो एक साहित्य होता है
दुख दर्द पीड़ा का विरह का श्रृंगार का वो होता है। लेकिन जब वो संघर्षों से की समझ आने लगे कुछ लोगों को, तब वो नई चेतना आई, तो वो उसका विस्तार तो हो रहा है, लेकिन वो आंदोलन भी गढ़वाल में चला गया। क्योंकि हमने सबसे पहले जो शुरू किया था कि भाषा बचेगी तो दिल्ली में नहीं बचेगी। दिल्ली में मैं 2.5 घंटे का एक पर्वतीय होता हूँ, मान ली कोई प्रोग्राम है तो 2.5 घंटे में जितना मिले दो चार से गढ़वाली में, 4-5 से हिंदी में, 2-4 से अंग्रेजी में बात करी, तो 3 घंटे का गढ़वाली मैक्सिमम हो गया, बाकी फिर मैं वैसे हो जाता हूँ। और वहां भाषा नहीं बच सकती, भाषा बचेगी तो अपनी मातृभूमि में, इसी सिद्धांत पर हमने काम किया था और इसी वजह से गढ़वाल में भाषा को पहले, तो उसी कारण गढ़वाली और कुमाऊनी में साहित्यकारों की एक संख्या बड़ी विस्तार हुआ, नए युवा आ गया है। तो युवाओं की वो पीढ़ी थी आज से 30 वर्ष पहले आई थी, और उन्होंने कुछ ने बड़े जिनका नाम लिया मैंने भी, कुछ बड़े अच्छे समझदार हो गए, उन्होंने कविता और कहानी और गजलों पर अच्छा काम किया, लेकिन जो भाषा पर समग्रता से काम करने की जरूरत थी वो नहीं हुआ। तो उस भाषा का इतना वो हुआ कि सरकार ने उसे सुन लिया, जैसे हमने बाद में सरकार के सामने रखा, ये भाषा अकेडमी भी बन गई, उसमें भी हमारा योगदान है, कुछ पत्रिकाएं निकल रही हैं उसमें हमारा योगदान है, ये सब एक माहौल तो बन गया है। लेकिन उस माहौल को भाषा अकेडमी जो भारत सरकार की है, उस स्तर के साहित्य की सृजना के लिए जो वर्कशॉप, बातचीत, डायलॉग, सम्मेलन होने चाहिए, उनका सख्त अभाव। तो जो मैं लिख रहा हूं, जो मैंने लिखा मैं उसे लिख के पहुंच गया, दूसरा जिनने जो लिखा उसके लिखकर पहुंच गया। अब क्या 15 मिनट मुझे मिले, 15 मिनट में जैसे मैं सम्मेलन में गया था, मैं लिख के गया था, उन्होंने कहा जी आप 3 मिनट में पढ़िए। अब मैं मतलब मूड ही खराब हो गया, तो मैं 3 मिनट में आपको क्या समझा सकता हूं भाई? आपने देखे दर्शन की नवानी जी बल सीनियर आदमी है, इसलिए उन्हें पढ़वाए, हमने नमस्ते किया, बात घूरा और घर आ गए। नहीं समझे, मुझे ठप सुनना था, वो तो हुआ नहीं, वो कन्वर्सेशन हुआ नहीं, कुछ समझ रहे हैं ना? भाषा पर गंभीर संवाद की आवश्यकता, अगर वो नहीं होगा कुछ नहीं होगा। भाषा आंदोलन का प्रभाव मात्र इतना हुआ कि उससे भाषा पहुंच गई, यूनिवर्सिटी में कोई बोलने लग गया, कुछ ऐसे जो भाषा के प्रति संवेदनशील लोग हैं या जो भावनात्मक है उन्होंने किया, लेकिन जो मूवमेंट फिर वही एक जगह आकर अटक गया। इसके जो दूसरे चरण शुरू होने चाहिए उन पर काम, जिसके सरकार की मदद की दरकार, उसके पार्टिसिपेशन की, सहभागिता की दरकार। आपने कहा कि सरकार की मदद की दरकार है, मुझे याद आ रहा है कि लोग भाषाओं के देश में लोग भाषाएं हैं उनको नष्ट होने से बचाने के लिए भारत सरकार ने कमिटमेंट जताया है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, यूनेस्को में 2001 की बात है शायद, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव था कि लोग भाषाओं को बचाने की, उसमें भारत सरकार ने दस्तखत किए हैं, तो भारत सरकार ने अपनी कमिटमेंट तो वहां जता दी है, लेकिन हम क्या प्रेशर बना सकते हैं भारत सरकार पर कि आपने कमिटमेंट किया है, आप हमारी भाषा, हमारी गढ़वाली, हमारी कुमाऊनी को बचाने के लिए ये करना चाहिए। हम एक जैसे बात हमारी शुरू हुई थी गणेश गोदियाल ने जो किया, तो मुझे जो रास्ता नजर आया कि राजनीति की भाषा में भाषा की राजनीति हो सकती है क्या, इसी संभावना में मैंने आपसे बात शुरू की थी। तो ये जो मैं कह रहा था कि सरकार तो ने तो कमिटमेंट जता दिया है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कि हम अपनी लोक भाषाओं को नष्ट होने से बचाने के लिए करेंगे काम, लेकिन 2001 की बात है, उसके बाद हमारी भाषा अभी तक अनुसूची में आ नहीं पाई है, तो हम क्या किस तरह के दबाव बना सकते हैं सरकार? जो अभी आपने सवाल किया है, तो अभी जो मातृभाषाओं का फार्मूला सरकार ने लागू कर दिया, पढ़ाने लग गए, ठीक है, उसकी किताबें भी लिखी गई हैं, वर्कशॉप भी सरकार ने ऑर्गेनाइज किए। लेकिन अब यहाँ पर एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये जो समझना होगा, हमारी भाषा जब तक बाजार की भाषा नहीं बनेगी तो भी हमें भाषा को बचाने में दिक्कत आएगी। अब कैसे? इस समय सबसे बड़ा जो बाजार की भाषा है हिंदी है भाई, हमने गढ़वाली पढ़ ली लेकिन पौड़ी मार्केट में हिंदी चलेगी, सतपुली में हिंदी चलेगी, कोटद्वार में हिंदी चलेगी, तो हमारे लोग हिंदी बोलेंगे, ठीक है। अच्छा लिटरेचर या समाचार पत्र जो बाजार में उपलब्ध है वो हिंदी में उपलब्ध है,
बाजार की भाषा हिंदी है, विज्ञापन की भाषा हिंदी है। अभी हमारी भाषाओं को या क्षेत्रीय भाषाओं को वहां तक पहुंचने में लंबा समय लगेगा, और तब तक सोशल मीडिया का दबाव, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दबाव, प्रिंट मीडिया का दबाव, जो हमारी भाषाएं क्षेत्रीय वो इतना सहन नहीं कर पा रहे हैं, और हम हर वर्ष कुछ शब्द खो रहे हैं। हालांकि इस भाषा से कुछ शब्द बचे भी हैं, लेकिन क्योंकि हमारा जो समाज है और जो नई पीढ़ी है वो उन पर बाजार का दबाव, बाजार मतलब सोशल मीडिया एक बाजार है, मार्केट भी एक बाजार है, जहां जाते हैं पौड़ी का बाजार, श्रीनगर का बाजार, कोटद्वारा का बाजार, ये जहां भी जितने बाजार हैं उसमें हमारी कौन सी भाषाएं चल रही उसकी रिक्वायरमेंट है। जाहिर है जो बाजार की भाषा अंग्रेजी थी दुनिया में, तो दुनिया ने उसे अपनाया और फैल गई, अब हिंदी फैल रही है। अब भले हम भाषा को बचाने की तमाम बात करेंगे, लेकिन अगर हमारी भाषा बाजार की भाषा चाहे जन की भाषा है वो स्थान नहीं ग्रहण करती, तो हम उसे इन द लॉन्ग रन नहीं बचा पाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। और मेरा ये जो आज आप खुद ही देख रहे हैं कि जो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इतना प्रभाव है, उससे हम अपने को मुक्त नहीं कर सकते। भले हम कोई चीज अपनी बना रहे हैं, और एक और बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि लोग हमारे गीत सुन रहे हैं, वो एक्चुअली म्यूजिक सुन रहे हैं उसका। लेकिन अभी मैं हिमाचल में था, तो एक जगह मैं शादी में क्या सुन रहा था, तो वहां पर किसी ने कहा गढ़वाली गीत है ये। अच्छा, तो म्यूजिक के कारण सुन रहे हैं, शब्द नहीं समझ रहे हैं। ठीक, हमारे यहाँ भी हो रहा है, लड़के नाच रहे हैं, लेकिन वो म्यूजिक सुन रहे हैं, शब्द नहीं समझ रहे हैं। तो वो भाषा को बचाने की कठिनाई, तो नई पीढ़ी शब्द सुन रही है, और अगर कोई शब्द ढूंढ कर भी ला रहे हैं, पुरातन गा रहे हैं, क्योंकि नए लड़के तो उसे नए शब्द से कनेक्ट नहीं होते, इंग्लिश हिंदी और अंग्रेजी से कनेक्ट है ना, उसको ये नहीं समझ रहे हैं। तो उससे हमारी भाषाओं पर भी असर पड़ेगा, हम उस शब्द संपदा को, उस अर्थ संपदा को, उस भाव संपदा को नहीं बचा सकेंगे जो गढ़वाल में रहकर हमने समझा है। नई पीढ़ी जो दिल्ली में पैदा हुई वो सिर्फ संगीत सुनेगी, उस पर थिरकेगी, वो ना तो भाव समझेगी, ना शब्द समझेगी, ना समझेगी, ना उसका शब्द सौंदर्य समझेगी, वो एक सामान्य तौर पर प्रयोग करेगी, तो वो हमारे लिए चिंता का विषय है, ये मैं महसूस करता हूँ। हाँ, तो ये बहुत आपने बहुत जरूरी बात बताई कि बाजार की भाषा नहीं बनेगी तो उसको उसके सामने चैलेंजेस बने रहेंगे। दूसरा ये था कि सरकार के लेवल पे बहुत जिम्मेदारी है कि वो क्या वो करती है भाषा को बचाने के लिए। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, 2011 में शायद जनगणना हो रही थी, जब 2011 में तो मैं दिल्ली में ही था, जनगणना के अधिकारी आए हमारे घर में, तो मैंने जो है अपनी मातृभाषा कॉलम होता है तो गढ़वाली लिखाई, और अपने दोस्तों को, अपने जो पहाड़ी लोग थे सबको कहा कि यार अपने अपनी मातृभाषाएं लिखाओ, उससे क्या होगा कि शायद एक डेटा भी सरकार के पास पहुंच जाएगा कि हाँ इतने बोलने वाले हैं। ये वो जो आप जो बात कर रहे थे कि आठवीं अनुसूची में शामिल करने के जो प्रोसेस है, जो प्रक्रियाएं हैं, उसमें ये भी है कि कितने लोग गढ़वाली या कितने लोग कुमाऊनी बोल रहे हैं, तो वो एक पैमाना था। एक हमने उस समय कोशिश की थी, उसके बाद 2011 के बाद तो क्या जनगणना हुई नहीं, अभी भी कब होगी कुछ पता नहीं है, तो वो एक बहुत मतलब एक अहम हिस्सा था अगर वो चल जाता हुआ कैंपेन। मैं ये कह रहा था कि जैसे एक आखिरी सवाल लोकेश जी की, जैसे पहाड़ अब सड़क कर आ गया है मैदान की तरफ, तो अब कितना बड़ा चैलेंज है, मतलब अब तक तो जितना था जितना नुकसान होना था हुआ है, अब जो चैलेंज है ये नया वाला चैलेंज जो है, जो आपने कहा कि बाजार की भाषा नहीं बनेगी, अब हमारा पहाड़ ऊपर से खिसक के बाजार में आ गया है, मैदान में आ गया है, ये जो चैलेंज है ये किस तरह का चैलेंज? हाँ, अब ये आपने बड़ी सही बात पकड़ ली है, बात को भी समझ लिया है। दरअसल दिल्ली दिल्ली नहीं है, दिल्ली एक बाजार है, हम बाजार में जा रहे हैं, हम कौन सी भाषा बोलेंगे? दिल्ली की। मुंबई मुंबई नहीं है, मुंबई एक बाजार है, रोजगार का बाजार है, हम मुंबई में जाएंगे कौन सी भाषा बोलेंगे? मुंबई की। अब देखो मुंबई में जो पर्वतीय लोग हैं, मैं पिछली सन 16 में गया, वहां था, मीटिंग में शामिल हुआ,
तो इतने घोर शिवसेना वाले आए हुए थे, वैसे सिर मुड़ा के, वैसे कपड़े पहन के, बिल्कुल मराठी में और मीटिंग में बोल रहे हैं, हो रही गढ़वाली की मीटिंग, आप समझ रहे हैं ना। तो बाजार किसका था, मराठी का या शिवसेना का बाजार, तो हम उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। गढ़वाली के दर्शन कोई देहरादून से आ रखा है, उससे जरा मुलाकात करनी, मैं तो अपनी बात कर रहा है, वो अपनी शिवसेना की बात कर रहा है, वो ये बात कर रहा है, हम तो ये कर रहे हैं जो शिवसेना बोलते हैं, आप समझ रहे हैं। तो बाजार का प्रभाव पड़ रहा है। अब हम जिस बाजार में रहेंगे, कमरा आपने ले लिया, आप पड़ोस पड़ोस में क्या है, वो बाजार है, वो कोई व्यक्ति संज्ञा है, वो हमें संज्ञा से मतलब नहीं, तो बाजार में तो बाजार की डिमांड है, जो भाषा है वो बोलेंगे। हमारी भाषा की डिमांड क्या है, जब सतपुली में नीच हमारी डिमांड नहीं समझे, वो जो बाजार है हमारा छोटा सा 15-20 या 20-25 सब्जी की दुकानें लाना फलाना, तो जितने लोग जा रहे हैं हिंदी में तो बोल रहे, तब तक इस चेतना की तरफ नहीं जाएंगे। और साहित्यिक स्तर पर जो एकेडमिक काम, शोध का काम, वैचारिक काम नहीं होगा, तो उसका सोशल इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा। अरे गीत गाना सुने आप कितने गए, भावनात्मक आकर्षण तो है, लेकिन जिसे लिटरेचर कहते हैं, अगर वो आपने नहीं रचा बेस्ट, और सुधिका ने लिख दिया कि वो जो गद छो ना शराब पेन छो और पे के वो पुण्य रहन छो, ऐसी ऐसी बातें करेंगे, तो वो तो ऐसी हजार कहानी है, वो भी इम्पैक्ट पैदा नहीं कर रहे, नहीं समझे। अभी पढ़ना, मैं बीच में ऐसे अब यहाँ पर बोली देता हूँ, मुझे मतलब बड़ा अजीब सा लगा, मैंने लोगों को कहा क्या क्या लिख रहे हैं, तुम्हारी कौन सी समझ है पढ़ना। अब क्योंकि भाई हम धात के वो हैं, तो मन मारकर हाँ जैसे मैं तुम्हारी बड़ी पढ़ाई कर सकता हूँ, मतलब क्यों, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, आप सब भेज रहे हैं तो बोलूंगा। तो कई लोगों पहले मैं ऐसे बोलता था, तो ऐसा ठीक नहीं कर रहा, तो किसी ने मुझे कहा भाई साहब ऐसा मत बोला करो, लोग नाराज जाते हैं, तो फिर मैं समझ गया। तब जब लोग काम कर रहे हैं बोलते तुम बहुत ही अच्छा ना, अच्छा है ना, तो उससे क्या होता है मैं भी पूजनीय बना रहता हूँ। अब क्या हुआ कि मैंने किसी को एक दो को कहा ना, तो उसने कहा यार वो मतलब बाल पर उसने ये कहा कि ये अपने को बहुत समझता है कि टिप्पणी की, मतलब तो मुझे किसी ने कहा भाई साहब आपको ये करने की जरूरत नहीं है, मैं उसकी बड़ी प्रशंसा करता हूँ, तो मुझे बड़ा पूजनीय मानता, लेकिन कुल मिलाकर सही नहीं, नहीं समझ रहे जब तो भाषा पर क्या काम कर, तो क्योंकि समझ नहीं है इसलिए ऐसी समीक्षाएं कर रहा है भी, मतलब आपद मोल लेना है, पर होनी अच्छी समीक्षाएं चाहिए, समकालीन दृष्टि से होनी चाहिए, और जिसके तमाम तत्व हैं भाषा के, रचना के, अब पीछे वाला साहित्य लिखेंगे, पीछे के विचार में खोएंगे। मान लीजिए आपने 50 साल पहले वाली दादी की कहानी लिखी, अब उसके वर्णन लिख दिया, उसने भी कुछ कहानियां पढ़ सकते, तो मतलब आनंद नहीं आएगा, क्या लिखा हुआ, उसके संघर्षों की तो बात की नहीं हमने, उसने कितने संघर्ष क्या किया, वो हो गया, तो हमने भूत प्रेत सब डाल दिया उसमें, पढ़ ली हमने, और पुरानी कहानियां अब तो वैसे भी अपडेटेड हो गए ना, पुरानी कहानियां भले कलेक्ट करते हैं, लेकिन ये बताओ कि वो कितनी पढ़ी जा रही, बोली जा रही है आजकल, नहीं पढ़ी जा रही है, उम्र जाए सुनाती थी, अब हमें कोई नहीं सुनाता, समझ रहे ना, तो वो क्रम पीछे चला गया, हमें आगे का साहित्य लिखना पड़ेगा, समकालीन जो आज की समस्याएं, आज के सरोकार हैं, आज के संघर्ष हैं, उस पर लिखना पड़ेगा, तब अच्छा साहित्य लिखा जाएगा। कुल मिलाकर ये जो भाषा पर कोई बात पहल कर रहा है, ये गणेश कुदयाल इस तरह कर रहे हैं, तो उसे अप्रिशिएट किया जाता है, लेकिन ये भावनात्मक है और मौसमी है, इसे यथार्थवादी दृष्टिकोण से अगर वो कभी भाषा पर सम्मेलन करें, इनिशिएटिव लें, एक नेता के तौर पर समाज में इस बात को उठाएं, जैसे धात ने उठाई थी, धात एक छोटी संस्था है जो गिने चुने लोगों की है, उसने इतने साल कर भी दिया तो काफी है, लेकिन उसने ये बहस एक खड़ी कर दी है कि कार्य अकेडमिक होना चाहिए, शोधपूर्ण होना चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए, समझ गए ना। हमारे कई मित्र, कोई भी परिचित मिल रहा है, क्योंकि पन्ने पूरे नहीं भरते, तो तू भी कहानी लिख और उसमें डाल दिया, तू भी कविता लिख, और ये नहीं लिखा कविता कैसे लिखी जा रही है, क्योंकि उनके मतलब अपने वो हैं, उनको उनसे चंदा लेना है कि 500 रुपए फीस भी लेनी है, तो उसकी कविता भी छापनी, तो फिर वो जो चीजें हैं इस तरह नहीं बन पाती जिसे हम कहीं इंट्रोड्यूस कर सकें। सरकार से पुरस्कार लेना बड़ा सरल है यहाँ पे, समझ रहे हैं ना, वहां मूल्यांकन तो वो एक शब्द बोलते हैं मुखरिदे की टुकड़ी, ये अप्रोच से ले रहे हैं, मैं अंदर की बातें मैंने कुछ से की, मतलब यहाँ पर साझा करना अनुचित होगा, लेकिन मतलब बहुत अच्छी बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हमारे साहित्य पर ठीक उसी ढंग का और उसी स्तर का काम हो,
जैसे साहित्य अकादमी में होता है, इतना ही कहना चाहूंगा। तो लोकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके हमेशा ही जो है ज्ञानवर्धन होता है, बड़ा अर्थपूर्ण आपसे जो है बात करके रहा है बातचीत, बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनु आपका भी, आपने अवसर दिया और बातचीत की। मैं समझता हूँ कि ये भी एक संदेश है, ये बात आपके माध्यम से मुझे कहने का अवसर मिला, कैसा होना चाहिए। धन्यवाद।